दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के एक ऐसे फीचर के बारे में जिसका नाम है स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट, और इसका इस्तेमाल किया जाता है रेट वाइज जीएसटी को सेट करने के लिए। जैसे आप एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर चार आइटम लिए हैं, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी और आइटम डी। इसी के हिसाब से यहाँ पर हमने प्राइस को सेट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर आइटम ए को सेल करते हैं जिसकी कॉस्ट 0 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक है, तो उसके ऊपर जो स्लैब बेस्ड जीएसटी रेट लगेगा वो यहाँ पर 5% का लगेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आइटम बी को सेल करते हैं जिसकी कॉस्ट 1000 रुपए से लेकर के 10000 रुपए के बीच में आती है, तो उसके ऊपर मान लीजिए हम चाहते हैं कि 12% का जीएसटी टैक्स लगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आइटम सी को सेल करते हैं जिसकी कॉस्ट 10000 रुपए से लेकर के 50000 रुपए के बीच में आती है, तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर 18% का जीएसटी टैक्स लगे। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आइटम डी को सेल करते हैं जिसकी कॉस्ट 50000 रुपए से लेकर के उसके ऊपर कितनी भी हो सकती है, अगर इतना अमाउंट का कोई भी आइटम आपके पास होता है और आप इसे सेल करते हैं तो उसके ऊपर 28% का यहाँ पर जीएसटी टैक्स लगना चाहिए। तो इसे आप किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर कॉन्फिगर करेंगे, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आप किस तरीके से टेली प्राइम में इसे कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर कंपनी नेम टाइप कर लिया है, स्पेसिफाई स्लैब बेस रेट, और उसके बाद यहाँ पर मेलिंग नेम में सेम नेम को रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर रैंडमली हम एक एड्रेस फिल कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस फिल करना होता है, तो यहाँ पर हम एक रैंडमली कोई भी एड्रेस फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से दिल्ली को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, तो यहाँ पर हम पिन कोड डाल लेते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन नंबर फिल करना है, तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर फिल कर दीजिए। रेंडमली हमने यहाँ पर एक नंबर फिल कर लिया है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। अगर आपकी कंपनी में फैक्स यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर आप फैक्स नंबर टाइप कर दीजिए। हम इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का ईमेल आईडी फिल करना है, तो हम यहाँ पर रेंडमली एक ईमेल आईडी फिल करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट डाल देनी है, तो यहाँ पर भी हम एक वेबसाइट फिल कर लेते हैं, और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए फाइनेंशियल ईयर पे हम सेम डेट को रहने देंगे। एंटर करके हम यहाँ पर बेस करेंसी सिंबल को सेम रुपीज रखते हुए हम यहाँ पर INR को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा। टैक्सेशन वाले पार्ट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा, अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST। यहाँ पर आपको GST को एप्लीकेबल करना होगा, तो यहाँ से हम एंटर प्रेस करते हुए GST पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करके नीचे आना है। रजिस्ट्रेशन टाइप में आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है उसे सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना GST नंबर फिल करना है, तो यहाँ पर रेंडमली हम एक GST नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने GST नंबर फिल कर लिया है, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं GST R1 का आपसे मांगा जा रहा है कि आप किस तरीके से GST R1 को फाइलिंग करेंगे, मंथली या फिर क्वार्टरली, तो हम यहाँ पर मंथली को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम Ctrl+A की मदद से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर GST कॉन्फिगर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी हमें Ctrl+A की मदद से इसे सेव कर लेना है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर जंप कर चुके हैं, और इसके बाद हमें स्लैब बेस रेट सेट करना है। यहाँ से हमें क्रिएट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको अपना स्टॉक आइटम डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर आइटम्स के नाम यहाँ पर ABCD में डिफाइन किया हुआ है, तो फिलहाल हम इसी को यहाँ पर टाइप करेंगे। आइटम ए लिखते हुए हमने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। यहाँ पर अंडर ऑफ ग्रुप अगर आप क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर ऑफ ग्रुप क्या होता है इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जा करके उन सभी वीडियोस को यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इसे प्राइमरी रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। कैटेगरी को हम यहाँ पर स्किप करेंगे क्योंकि कैटेगरी हम यहाँ पर कोई भी डिफाइन नहीं करने वाले हैं। यूनिट्स हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो यूनिट्स के लिए हम यहाँ पर क्रिएट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना यूनिट टाइप करना है, तो यूनिट में हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं पीसीस, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो फॉर्मल नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पर एंटर करते हुए यहाँ पर पीसीस को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ से GST वाले पार्ट पर जंप कर जाएंगे। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करते हुए अपना HSN नंबर यहाँ पर डिफाइन करना है, तो यहाँ से हम स्पेसिफाई डिटेल हेयर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर रेंडमली कोई भी एक HSN नंबर टाइप कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप अपने आइटम की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, तो फिलहाल हम इसे यहाँ पर स्किप करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा स्पेसिफाई स्लैब बेस रेट।
तो इस वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हमें एक एक करके स्लैब बेस्ड टेक्स्ट को यहाँ पर डिफाइन करना है। तो इसे हम कैसे करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आइटम ए के लिए हमने यहाँ पर आइटम का जो प्राइस रखा है वो 0 से 1000 रुपए के हिसाब से रखा है और इस पर 5% का यहाँ पर टैक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर देन और यहाँ पर अप टू का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो अप टू में हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं 1000 रुपए और उसके बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर टैक्सबिलिटी में हम यहाँ पर टैक्सेबल को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और IGST रेट हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं 5%। और जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CGST और SGST यानी UTGST ये आपको 2.5% में ऑटोमेटिक डिवाइड होकर के आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाना है। अब आप देख सकते हैं ग्रेटर देन में आपको यहाँ पर 1000 रुपए बाई डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें दूसरा स्लैब बेस डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम बी के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है 1000 से 10000 रुपए। तो यहाँ पर हम 1000 से लेकर 10000 रुपए यहाँ पर टाइप करने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए टैक्सेबल को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 से 10000 रुपए के ऊपर हमने यहाँ पर 12% का टैक्स यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम 12% रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं CGST और SGST यहाँ पर 6% अपने आप डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रेटर देन में यहाँ पर आपको 10000 रुपए दिखाई देगा और अप टू यहाँ पर आपको वैल्यू टाइप करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप टू वैल्यू हमारी 10000 से लेकर 50000 रुपए है और उसके ऊपर 18% का हमारा टैक्स है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 50000 रुपए और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए टैक्सेबल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर 18% डालते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर देन में आपको 50000 रुपए दिखाई दे रहा है। रेट अप टू में हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू अब टाइप नहीं करने वाले हैं क्योंकि लास्ट हमने जो टैक्स यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है वो 28% का है, यानी 50000 रुपए से ऊपर कोई भी वैल्यू हो उसके ऊपर 28% का GST यहाँ पर लगना चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप नहीं करेंगे, हम सीधे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर 28% डालते हुए हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर आपको एंटर करके नीचे नहीं आना है, आपको यहाँ पर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर GST रेट को स्पेसिफाई डिफाइन कर दिया है। यहाँ से हमें गुड्स को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करके इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद हम यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाते हैं और यहाँ से हम चले जाएंगे सीधे वाउचर्स के अंदर और यहाँ से हम चले जाते हैं परचेज वाउचर में। तो राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं परचेज वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और शॉर्टकट की इसकी F9 है। आप चाहें तो F9 प्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर परचेज को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर परचेज वाउचर में जंप कर जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप कर देना है और उसके बाद यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर पार्टी का एक लेजर क्रिएट करना है। तो पार्टी का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट वाले सेक्शन पर जाकर के एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर हम एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया मोहन और इसे अंडर ऑफ डाल देते हैं, अंडर ऑफ सेंडिंग क्रेडिटर। एंटर करके यहाँ से हम सेम स्टेट को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर CGST और SGST लगाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर IGST का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट चेंज करना होगा, यानी आपको अपनी पार्टी का स्टेट यहाँ से चेंज करना होगा। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन टाइप को यहाँ पर रेगुलर रखते हुए हम एंटर प्रेस करेंगे। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो आपको बता दिया है कि मैंने पहले ही बनाई हुई है इन सभी चीज़ों के बारे में। आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन सभी चीज़ों की डीपली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रेगुलर को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे, पार्टी का यहाँ पर GST नंबर फिल करेंगे। तो रैंडमली हमने यहाँ पर एक GST नंबर फिल कर दिया है। सेट अल्टर एडिशनल GST डिटेल को हम यहाँ पर फिलहाल नो रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसे भी यहाँ पर एंटर करके आप इसको इसे एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना है परचेज अकाउंट का और इसे अंडर ऑफ डाल देना है परचेज अकाउंट के। यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल रखते हुए एंटर प्रेस करना है। GST एप्लीकेबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पर एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ पर आपको एंटर करके इसे यहाँ पर गुड्स को रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको आइटम्स जो हमने बनाया था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। स्पेस करके हम यहाँ पर आइटम ए को फिलहाल लेते हैं क्योंकि अभी हमने केवल आइटम ए बनाया है। यहाँ पर आइटम को लेने के बाद यहाँ पर मान लीजिए हम इसकी क्वांटिटी फिल कर देते हैं। एक क्वांटिटी हमने यहाँ पर ले ली है, रेट हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर रेट डालते हैं 999 रुपये। जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टैक्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर 5% का आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो स्लैब बेस रेट सेट किया था, यहाँ पर हमने सेट किया था कि 0 से लेकर के 1000 के बीच में अगर कोई भी आइटम यहाँ पर परचेज या फिर सेल करते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर 5% का टैक्स लगना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% का टैक्स आपको दिखाई दे रहा है।
इसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट चेंज करके आपको दिखा देते हैं। स्कैप करके हम यहाँ से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं 9,000 रुपये, और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो टैक्स अमाउंट है वो यहाँ पर 12% आ चुका है। हमने यहाँ से 1,000 से 10,000 के बीच में 12% को ही सेट किया था। इसके बाद 10,000 से 50,000 के बीच में हमने यहाँ पर 18% सेट किया है, तो हम इसे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। स्कैप करके हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे और वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, मान लीजिए 15,000 रुपये, और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 18% आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑटोमेटिक जीएसटी रेट डिफाइन हो रहा है। इसके बाद हम वापस से स्कैप करके बाहर आते हैं और अब हम यहाँ से 50,000 रुपये से ऊपर की वैल्यू डालते हैं, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर 55,000 रुपये, और यहाँ पर हम इसे एंटर प्रेस करते हुए जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28% का आपको टैक्स यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने टेली प्राइम के अंदर रेट वाइज जीएसटी को सेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।